नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम छठ पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। छठ पूजा की कथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस पर्व को 4 दिनों तक मनाया जाता है और छठी मैया से संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। छठ पूजा का महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। छठ पूजा में विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा की जाती है, जिसमें उगते सूर्य के साथ ही डूबते सूर्य को भी जल दिया जाता है। एक कथा के अनुसार राजा प्रियवध को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ हेतु के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियवध पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी छठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल छठी को हुई थी। छठ पूजा की महत्वता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रामायण में भी छठ पूजा का जिक्र मिलता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि किसने छठ पूजा पर रामायण में व्रत रखा था और इसके पीछे का क्या कारण था। और आपको बता दें कि यह व्रत सैकड़ों यज्ञ से भी ज़्यादा फलदायी माना जाता है। महिलाओं के अलावा यह व्रत कुंवारी लड़कियां और लड़के भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं रामायण में किसने किया था यह व्रत। रामायण के अनुसार छठ पर्व पर व्रत माता सीता ने किया था। आपको बता दें कि जब भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था, आपको बता दें कि रावण एक ब्राह्मण भी था, इसलिए भगवान राम को एक ब्राह्मण हत्या के पाप, वध के पाप से मुक्त कराने के लिए ऋषि मुनियों ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय किया और यज्ञ के लिए ऋषि मुद्रल को बुलाया गया। परंतु ऋषि मुद्रल ने यज्ञ में आने की जगह भगवान राम और सीता को अपने ही आश्रम में आने के लिए कहा था। उस समय सीता माता ने भगवान राम के सिर से ब्राह्मण हत्या के पाप को हटाने के लिए छठ पूजा का व्रत किया और पूरे विधि पूर्वक पूजा की थी, जिससे ब्राह्मण हत्या का पाप भगवान राम जी के सिर से हट जाता है।